क्या हुआ? आज बहुत बमक है। किसके पास? ये पास हर्ष है। हर्ष हर्ष 10 मिनट पहले हर्ष फोन किए। हां हां हरिओम, हम तो आवाज सुनता हूं। हरिओम बच्चा, हम तो कोई काम का बोलेंगे, मेरा दिया है पिको को करने, तो भाई शायद लगा देंगे। तो बोले उज्जवल अंकल आपके यहाँ है? हम बोले उज्जवल मेरे यहाँ घर में क्यों होगी? मेरे घर क्या है, अजीब हाल है। उज्जवल हमेशा मेरे ही घर में रहते हैं। उनकी माँ भी सोच रही होगी, अपनी माँ के मोबाइल से किए होंगे पूरा। अरे नहीं, हमको लगा कि आपके यहाँ रहते हैं, हमारे गजब हाल है, मेरे ही रहते हैं। जिस तरह आप लोग काम पड़ता है उस तरह हमको काम पड़ता है, उस तरह बोलते हैं हम काम काम के लिए, तो हमेशा मेरे ही यहाँ रहते हैं। आपकी दादी भी इसी तरह बोल रही थी, वो भी हम सुन लिए थे। पूछते हो कि शारदा क्या रह रहा है? शारदा क्या क्यों रहेंगे? नहीं, हम सुन लिए थे। बोले आप पीछे क्यों कर रहे हैं? कहाँ सुन लिए, आप थोड़ी ऊपर में थे। हम थे, खत्म बात। वो नीचे पूछ रहे थे, हम बोले कि नीचे पूछ रही थी, इतना उनको याद है। हर्ष को बोले ना? हाँ, पूरा हर्ष की। तो क्या बोले थी बाद में? सॉरी आंटी। हम बोले ठीक, सॉरी होना चाहिए। अरे, अरे यार, जब मतलब कि हम जानते हैं, हम जानते हैं। सुनिए सुनिए, हम रोटी गूंथ रहे थे, तो हम उस समय जो अभी जो है फोन नहीं उठा रहे। हम बोले नहीं उठा रहे, उनको पूछिए। नहीं उठा रहे, हम क्या जानेंगे। अभी तो बात हुआ हर्ष मम्मी से, 15 मिनट बाद हम जवाब दिए ना। अब थोड़ी है कि तो जिस समय अब आप कॉल कीजिए। हाँ, तो हम खाइए लेंगे, आप ही के लिए बैठे हुए हैं। कभी कभार होता है ना भाई कि आप शाम में है तो हम खाना बना, अपना जिंदगी नहीं है उज्जवल का। अब हम रोटी बना रहे थे, समझे? हाँ, आप कटलेट खाने यही लोग चलते नहीं जाने, बंद कर दिए हैं। कहा कि लाइन कटा हुआ है, आएगी तो बोलेगी चला दो डीजे, इसीलिए हम नहीं जा रहे हैं। तो भाई, तो अब हम उधर नहीं जाएंगे तो कब से घर में तो खाना बना सकते हैं ना? गजब हाल है। उज्जवल खाली बस अपार्टमेंट के लिए जीता है, और नहीं तो खाली जो जमीन का मालिक है उसके लिए। तो बहुत अचानक गुस्सा चढ़ गया हमको, अब बहुत चढ़ गया। उज्जवल अंकल आपके घर में है जी? हम लोग मेरे घर में क्यों रहेंगे? नहीं, हम लोग मेरे घर में क्यों रहेंगे बच्चा? नहीं तो उनका फोन नहीं उठा रहे, तो हम लोग फोन नहीं उठा रहे, मेरे घर में रहेंगे। बहुत गुस्सा आया, बहुत मने, बहुत लास्ट में सॉरी। हम लोग ठीक, समझ में आना चाहिए। हम बोले जब रहता खाली मेरे घर में आप लोग ढूंढते हैं। बोले जिस तरह आप लोग का काम पड़ता है उस तरह हम भी काम होता है मेरा, हम कौन सा एक्स्ट्रा काम हो रहा है? बैठिए बैठिए। अब कोई उतना जानते हैं, हम पूछे क्या बात था, हाँ है ना अभी बात। अब कोई उतना जरूरी वाला बात भी नहीं था, समझे? पूछे क्या बात है, तो बोल रहे हैं वो जो पांच तला वाला फ्लैट वाला जो है ना, संजीत झा वाला, देखने को आएगा। ठीक है, तो हम भी गुस्सा में, हम भी यही क्या बोल दिए, हम इतना सा बात के लिए आप लोग इतना कॉल कर रहे थे, इतना कॉल किए हैं, और हम ये तो कोई जरूरी खास बात नहीं उठा रहा है, तो गाड़ी चला रहा होगा, नहीं उठा रहा है कहीं बाहर गया होगा, नहीं उठा रहा तो तरकारी खरीदने गया होगा, राशन खरीदने गया होगा, उसके पास सुनिए ये बात। और हम क्या बोले कि ठीक है समझ जाए, तो हम बोले कि आपका वाला जो फ्लैट है रामाकांत जी का, वही वाला दिखा दीजिए, तो खाली हो रहा है, दिखा दीजिए। तो बोले काहे वहाँ भाड़ा नहीं लगेगा? काहे वहाँ नहीं लगना चाहिए? ऐसे बोल रही है, वहाँ वाला संजय वाला ऐसे बोल रही है। तो बोले अगर मकान मालिक ये सुनेगा ना, तो हम बोले कि ना कि देखिए यहाँ पर पहले से ही ऐसे बिजली बिल बहुत बढ़ के आ रहा है, और जब शिफ्ट हो जाएगा ना आदमी, तो इसमें लिफ्ट का बहुत ज़्यादा यूज होगा, फिर अगला आदमी जो है बहुत सारा हमको ज़्यादा प्रेशर देने लगता है, समझे? दिखाइए उनका कोई परिचित आ रहा होगा। हाँ, तो वो बोल क्या रही है कि इसका मतलब कि नहीं, कि अगर मकान मालिक यही बात सुन लेगा, काहे जिस वो भाड़ा दे रहा है तो उसका नहीं लगेगा, उसका संजय का फ्लैट भाड़ा में नहीं लगेगा। बोल भी रही है। हाँ, तो बोले अगर यही बात अगर मकान मालिक सुन लेगा तो आपको 4 थप्पड़ मारेगा। बोल रही है, हमको बोली 4 थप्पड़ मारेगा आपको। तो हम बोले कि ये बात जो है आप थोड़ी, हम आपके पास ना बात कर रहे हैं, थोड़ी उसको बोलने जा रहे हैं संजय झा को। तो नहीं, तो ये वाला बतिया जाइए बोल के आइए बढ़िया से, ये लोग बहुत ज्यादा कुछ कर देता है। तो ये वाला बात हो गया। आप लोग जो जो बात बोलते हैं जिसके बारे में, अगर हम बोल दें सबको, माने आप अपने हैं, उन लोग बोलते हैं ना जी पीठ पीछे सबके बारे में, तो यही वाला बात अगर आप उनको पहुंचा दें उन लोग को, तो उन लोग सब कितना करेगा?
मिश्रा जी ऐसा है, मिश्रा जी वैसा है, तो मिश्रा जी के पास पहुंचा दे आप, तो जिस तरह आपको भी अपना ही समझ के ना चुगली करती है। उसके पास हम ज्यादा बात नहीं करेंगे अब, बेहुदा आदमी ससर है। अरे वो गर्मी चढ़ा होगा मेरा वाला, अभी हम सुनाए ना बढ़िया से, उसका गर्मी चढ़ा होगा, चढ़ा रहा है, फर्क नहीं पड़ता है उनको, तमीज होना चाहिए कि किस तरह से बतियाना है। उज्ज्वल अंकल आप मोबाइल नहीं उठा तो उज्ज्वल अंकल मेरे घर में मिलेंगे। अरे भाई हमेशा कोई थोड़ी फोन के पास बैठा रहता है। किसी के घर में क्यों बैठ है? हाँ, कोई फोन के पास हमेशा थोड़ी बैठ। मकान मालिक सुनेगा चार थप्पड़ मारेगा आपको, बोलने का तरीका है, तमीज है। सोसाइटी में कहीं उसको बोल देगी ना तो संजीत झा तो हमको लाइन ले लेंगे फिर। हम ऐसा डायरेक्टली ऐसे थोड़ी बोल नहीं बोलिएगा, संजीत झा लाइन कैसे ले लेंगे? जब बात ही बोलेगी ना तो बोलिएगा कि नहीं हमको रामाकांत जी बोले थे ना कि मेरा रूम भाड़ा पर लगा दे उज्ज्वल खोजो, तो जब वो भाड़ा घर लेके आई तो हम बोले कि उनका वाला खाली है, वो हमको ऐसे ऐसे बोले थे। ठीक वही खुद ही बोले थे कि मेरा वाला भी खाली है, बस उल्टे फंसा देंगे। हाँ उल्टे फंसेगी उसके बाद, हम कुछ नहीं किए हैं। जितना इन लोगों के साथ अच्छा कर दो ना, अच्छा इन लोगों को नहीं अच्छा लगता है, संस्कारहीन आदमी सब ऐसे ही रहता है। मिल गया वो फ्लैट आने के लिए उसको, उसको उससे क्या मतलब है सामने वाले से बताइए। पहले बोलती जब हम भाड़ा में लगा रहे थे ना बैचलर लोग को बोलते ए वो जो भाड़ा में मत लगाइएगा उसको, ये बैचलर वाले लोग को बैचलर वाला दू उसे को भाड़ा बैचलर वाले को एकदम मत लगाए, बार बार फोन करके बोल रही थी समझे। अब जब अब मेरा अपना परिचित कोई आ रहा होगा। हाँ अपना परिचित जब हम इस तरह बोले बोले आपका वहाँ तो फ्लैट ही है, वहाँ दिखा दीजिए ना, है ना। हम इनडायरेक्टली नहीं बोले कि आप यहाँ पर मत लगाए, इस तरह से बोले थे। हाँ उनको बोल दीजिए ना कि आप हमको ऐसे काहे बोले कि चार थप्पड़ मारेगा। हाँ बोलिए, पूछिए जाके बोलिए काहे बोले। सो आप क्या हम रामाकांत जी के लिए तो काम कर दे रहे थे? हम चुप, हम जो बोल रहे सुनिए पहले जो बोलते हैं। बोलिए ना कि आप हमको ऐसे काहे बोले मैडम कि चार थप्पड़ मारेगा, तो रामाकांत जी ही हमको बोले हैं। क्या बोलते हैं कि मेरा वाला घर को खाली हो रहा है, जो पहले आया था रेंटर वो छोड़ रहा है या छोड़ दिया है, तो मेरा वाला भाड़ा में लगा दो। तो हमको लगा कि जब आपका परिचित आदमी है तो उन्हीं में लगा दीजिए, इसलिए हम बोले। हम इसलिए नहीं बोले कि इनका भाड़ा हमको नहीं चाहिए। हमको क्या मतलब है किसका भाड़ा में लगता है किसका नहीं लगता है? आप लोग जो जो बोलते हैं सो हम करते हैं। समझे? ये वाला बात जो हम बता रहे हैं उसको समझ लीजिए कैसे बोलना है, उसी तरह बोलिए बस। क्या आप हमको ऐसे कहे बोले चार थप्पड़ मारेगा? देखिए बात हम भी आदमी है, हम गार्ड है, ठीक है, मेहनत करते हैं तो पैसा कमाते हैं। नहीं सुनिए, कुछ भी बोल के चला जाए। सुनिए ना, बात ऐसा है ना कि यहाँ पे अधिकांश लोग का भी वैसे ही बात करने का है। देखते हैं ये जो है ना प्रसाद अंकल, प्रसाद अंकल का बात बोल रहे हैं। प्रसाद अंकल कुछ दिन पहले हमको खुशी होता है कि मिश्रा जी ऐसा गंदा नहीं बोलते होंगे, बीवी भले बोलती होती है। हाँ बहुत बढ़िया से बात करते हैं, सही बोल रहे हैं, वो कभी वो इतना खराब नहीं बोलते। अभद्र आदमी नहीं है, शिक्षित है, पढ़े लिखे तो ढंग का है। हाँ विकास जी ऐसा गंदा बोलेंगे नहीं, तो प्यार से बोलते जैसे अपना बच्चा मारेंगे तो थप्पड़ देंगे। वो एक बात हुआ, सुनेगा तो चार थप्पड़ मारेगा, संदीप झा चार थप्पड़ मार देंगे, वो भी नहीं मारेगा। संजीत झा के पास मेरा भी पहले का रेपुटेशन वो जान भी कर रहे हैं, वो मार देंगे। गंदा किसी के बारे में बोल देना मतलब ओनर को कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्हीं को ज्यादा टेंशन हो रहा है। आप बोलिए कि हम आपका ही काम किए थे, हम आपको अगर बोले ना मैडम तो इसीलिए बोले, ठीक है। आपके ही रामाकांत जी बोले थे हमको कि मेरा भाड़ा पे लगा दे, तो जो आ रहा था उसको हमको लगा कि चलो ठीक है रामाकांत जी को भाड़ा में लग जाए। बोलिए सुनिए, हम समझ रहे, आप समझ रहे बात बोलना, कि हम सोचे कि रामाकांत जी का ही पहले भाड़ा पर लग जाए, इसीलिए आपको हम बोले कि बोला दिखा दीजिए। समझ में आया? एकदम समझ गया। और आप हमको उल्टे कह सुनिए, आप हमको उल्टे कह रही, इस बात को जरूर पॉइंट कीजिएगा कि आप हमको उल्टे कह रही हैं कि क्या बोलते हैं चार थप्पड़ मारेंगे। हम आप लोगों का भला चाह रहे हैं, आप ही का। हाँ, एक, आप एकदम हम ही को दे रही हैं, एकदम करेक्ट बात बोल रहे हैं। एकदम जो आप बोल रहे हैं ना एग्जैक्ट, सबसे पहले माइंड में यही मेरे आया था कि नहीं पहले रामाकांत जी का क्या जानते हैं
दोनों रामाकांत जी बार बार हमको बोलते हैं कि कोई है भाड़ा वाला। हाँ यही बोलिएगा कि बार बार हमको बोलते हैं, उसके लिए हम करते ही हैं, लगाते ही हैं। हाँ, तो हमको लगा कि जैसे ही अगर आपके माध्यम से आ रहा है, आप लेके आई है, आप लगा है कि उसका उनका लग जाए पहले, उनका कॉल मेरे पास नहीं आएगा। हाँ नहीं कॉल नहीं, उनका लग जाए पहले, उनका हम अच्छा सोचे और आप उल्टे गलत सोच लिए हमको। समझ में आया? जवाब दे के आइएगा घर में बैठ के, ठीक। और तब अगर देखिएगा कि सब कुछ ठीक ठाक है तो बता दीजिएगा कि यहाँ पर हम ऐसे ऐसे है ना, बस कि मेरे बारे में अगर वो सोचे, वो भी सोचिए कि क्या दूसरे को हम कहें, आप भी थोड़ा है, कभी भी खाली अगर मौका मिलता है तो कर मेरा आपको दे देंगे। मेरा मन यही है कि आप लोग का पहले लग जाए, बस यही बोलने बस का। तो आप लोग उल्टा सोच रहे हैं। हाँ, आप लोग हम अच्छा सोचे था, मेरे को ही दे रहे हैं बढ़िया, नहीं बोलते हमें को बम्बू कीजिए। थोड़ा सा भी उसका कदर नहीं है। क्यों? आप कौन? आपके साथ मेरा क्या बेनिफिट है कि आप 500 रुपया तक का खर्चा हमसे करवाइएगा तब आप पति भेजेंगे, और भी एक महीना में भेजेंगे, ये शर्म नहीं आ रहा है? अभी फिर तो उतना चला गया। नहीं नहीं, वो शर्म नहीं आ रहा है कि गार्ड हमको पैसा दे रहे हैं, उस टाइम गार्ड नहीं है वो, बस वो तो इग्नोर है। नहीं, हम अगर गार्ड से गंदा व्यवहार करते हैं क्योंकि वो गार्ड है, मेरे स्टेटस से बहुत नीचे है, तो अपना स्टेटस मानना भी चाहिए ना कि हमको नहीं चाहिए। आप बड़े आदमी भाई, बड़े हैं। हाँ, इंसान क्या फितरत है लोगों का, बाप हो बाप, अपना फायदा के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है और कोई भी गिरगिट की तरह बदल सकता है। ऐसे ही कर्म पर गिरगिट बोलते हैं। इतना बकवास का मैसेजेस हो गया है ना मेरा, बाप रे बाप। 6,500 इसमें एक से भी कर कर आपको जैसे हम देखें, बोले कि हम तो अब फोन नहीं कर, समझ रहे आप बाहर गए होंगे, तुरंत फोन करके आपको हम बता देते हम सब उस टाइम जो हम बाहर गए नहीं, वो कहीं होंगे तभी ना उन लोगों का फोन नहीं उठाए होंगे। अरे सिर्फ इन्हीं लोग के लिए हम नहीं जा रहे हैं, छोड़ दो, काहे नहीं जा रहे, बुर्बक की तरह। नहीं भाई, कभी भी उस समय भी आ गई आई थी तो हो। अरे आपको तो बोलना नहीं, नहीं उस टाइम का जो बात है, हर बार क्या है कि ब्लाइंड नहीं है तो दोपहर का जो बात कह रहे हैं ना आप, जो बोल रहे थे कि मेरे ही बालकनी से आप क्यों आवाज दी, ये आपका प्रश्न था, तो हम बता रहे हैं क्यों हम आवाज नहीं बता रहे। था, हमको मेरा था कि बुर्बक वाला काम हो गया। हाँ हाँ, अब बता रहे हैं क्यों हम दिए तुरंत, है ना। तो वो जो है ना, क्योंकि आपका आना हम सुनते रहते हैं, सबको सुनते रहते हैं। सुनिए तो पहले, जो आवाज कंटिन्यूसली लगा रही थी, मतलब बीच में ब्रेक देखे होता ना एक बार उज्ज्वल, फिर एक थोड़ा सा ब्रेक देखे उज्ज्वल, इस तरह से नहीं उज्ज्वल उज्ज्वल उज्ज्वल, अरे भाई पगला ही सके ये तो बोल रही है। अब बता रहे हैं क्यों आवाज़ दी, क्योंकि यहाँ पर दरवाजा खुला हुआ था ठाकुर अंकल का, और ठाकुर अंकल नीचे पेपर बैठ के पढ़ रहे थे, है ना। हाँ, अगर हम जल्दी रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो ठाकुर अंकल बोलेंगे भाई इतना आवाज लगा रही है, गया कहाँ, है तुरंत तो हमको रेस्पॉन्स ना होगा ना फिर। हाँ, इस हम तो चार एक बार पूछते, वो बात छोड़ी ना, एक बार पूछते हैं कि पेट्रोल वाला भी तुम जाके लेके आता है तो हमको 10 रुपया देना चाहिए, वो सब तो खुद हम यहाँ आके हमको बताते हैं कि स्कूल भेजते हैं उज्ज्वल के साथ तो हम 50 रुपया देते हैं पेट्रोल का। स्कूल रौनक की मम्मी थी, रौनक की मम्मी बोल रही है कि हम रौनक की मम्मी देते हैं जितना बार भेजते हैं, जितना बार कहा, एक बार तो भेजबे की है, और एक बार भेजे तो पैसा दिए 50 रुपया, एक बार सिर्फ, सबसे पहले यही देते हैं 1 रुपया, ये लोग एक्स्ट्रा थोड़ी को कभी नहीं लाते, एक्स्ट्रा सामान जो आता है 1 रुपया नहीं कहूँ 26 मिलेगा, कहूँ
कहूँ कहूँ दुकान है ना, कोको दुकान में दौड़ेंगे कहीं नहीं, पूरा चीरा चाहे बोकारो का मान लेंगे। अगर मिलता भी है तो हम क्या बोलते हैं, नहीं बोलते पिलर से पोस्ट जाएंगे तो सेक्टर 9 से लेके हम 4 तक जाएंगे 26 रुपए के लिए। कहीं नहीं छी में मिल रहा है 26 होता ही होगा, बोल रहे हैं कहूँ कहूँ भी तो कहाँ कहाँ का हमको पता दे दीजिए। हाँ आप बोलिए, दुर्बल जैसा बात करते हैं आप, कितना समझदार को समझदार बनना पड़ेगा। कहूँ कहूँ मिले ना तो कहूँ कहूँ का पता दे दीजिए, हम वहीं वहीं जाएंगे, हम दूसरा दुकान में काहे जाएंगे। हाँ अरे भाई आप खुद लाए हैं 27 में, अपना एनर्जी लॉस करेंगे, फिर बाद में बोल रहे हैं फ्यूल लॉस करेंगे, फिर बाद में हंस रही है, मजाक कर रही थी समझे, मजाक मजाक नहीं, इन लोग फंस जाते हैं तब हंसते हैं कि मजाक है, इधर भी सेम टू सेम हियर। खुद ला चुकी 27 में बताइए, उससे पहले हमसे पहले अब बात